हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे हमारे ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर अपना इफेक्ट देने वाले ड्रग के बारे में। ये हमारा होगा अगला पार्ट एड्रेनर्जिक ड्रग सिस्टम के। तो आज हम देखेंगे उन सारे ड्रग के बारे में जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी अदर तरीके से एड्रेनर्जिक सिस्टम को और उससे रिलीज होने वाले न्यूरोट्रांसमीटर को अपना इफेक्ट शो करके अपना जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का टॉपिक एड्रेनर्जिक ड्रग। इसी एड्रेनर्जिक ड्रग को हम कहते हैं सिंपैथोमिमेटिक। सिंपैथोमिमेटिक जैसा हमने पहले कहा और इसके पहले के वीडियो में रिपीट किया हुआ था, बना हुआ है दो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड से, सिंपैथो और मिमेटिक। सिंपैथो का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम जो आपको आपकी जरूरत के समय एडवर्स कंडीशन में फाइट करने की, फ्लाइट करने की एबिलिटी देता है, ऐसा सिस्टम कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और मिमिक मतलब होता है उसकी नकल करना। तो ऐसे ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स या यूं कहूं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के जैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं वो कहलाते हैं सिंपैथोमिमेटिक। दीज आर द इंपॉर्टेंट ड्रग विच कैन गिव देयर एक्शन जस्ट बाय मिमिकिंग द सिंपैथेटिक एक्टिविटी एज गिवन एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अगर हम इनको क्लासिफाई करना चाहेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। कोई उनको केमिकल नेचर के हिसाब से क्लासिफाई करता है, कोई उनको उनके एक्शन यानी कि तरीके के टाइप ऑफ एक्शन के हिसाब से क्लासिफाई करता है, और कई बुक में आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन मिल जाएगा। हम आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उनके एक्शन करने के तरीके के हिसाब से क्लासिफिकेशन बताते हैं, क्योंकि फार्माकोलॉजिकल एक्शन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन दिया है एक्चुअली वो फार्माकोलॉजिकल यूजेस हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको उस तरीके से याद करना चाहेंगे या सिंपल तरीके से कौन से ड्रग कहाँ कहाँ पे कैसे काम करते हैं इनको समझ करके फर्दर उनका क्लासिफिकेशन देखना चाहेंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रेनर्जिक ड्रग या सिंपैथोमिमेटिक ड्रग उनके काम करने के तरीके के हिसाब से। अगर हम इनको काम करने के तरीके से आप डिवाइड करते हैं तो तीन मेन क्लास होंगी। पहला होगा डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग या डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग, दूसरा होगा इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, और तीसरा होगा मिक्स्ड एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। ये क्लासिफिकेशन इतना इजी है कि आप उनको उनके नाम के हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हैं और याद रखना समझना बहुत आसान हो जाएगा। पहला है डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग मतलब ऐसे सारे ड्रग जो कि उस ड्रग के सिंपैथेटिक एगोनिस्ट साइट पे यानी कि उसके बाइंडिंग साइट पे एज अ एगोनिस्ट काम कर रहे होंगे, यानी कि बिल्कुल वैसा एक्शन उस डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहे होंगे जैसा कि एक्चुअल न्यूरोट्रांसमीटर वहां पे कर रहा होगा। और आज हम इसको लिखते हैं डायरेक्ट एक्ट एज एगोनिस्ट ऑन अल्फा और बीटा रिसेप्टर ऑफ द सेल या दोनों के रिसेप्टर पे काम करेगा। यानी कि हमने इसके पहले देखा था कि एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर हैं वो दो तरीके हैं, अल्फा और बीटा। तो ये जो सिंपैथोमिमेटिक डायरेक्ट कैटेगरी के ड्रग हैं ये या तो अल्फा पे या तो बीटा पे या तो दोनों जगह पे अपना एक्शन दे करके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को अचीव कर सकते हैं। इनके एग्जांपल कुछ हैं जैसे एड्रेनालिन, नॉरेडलिन, आइसोप्रिनालिन, सॉल्बिटामोल, ये एड्रेनर्जिक सिस्टम के एगोनिस्ट हैं, सिंपैथोमिमेटिक कैटेगरी के ड्रग हैं, अल्फा बीटा या बोथ दोनों पे एक्टिविटी शो कर सकते हैं। एग्जांपल की अगर आप बात करते हैं तो कहां हम इसको यूज कर सकते हैं, एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा है अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर और अल्फा बीटा ब्लॉकर। लेकिन ये सिंपैथोमिमेटिक कैटेगरी के ड्रग नहीं है, ये सिंपैथोलाइटिक कैटेगरी के ड्रग हैं। हमने यहां पर बताया है एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में तो ये ड्रग यहां पर काम करते हैं, इसका जस्टिफिकेशन आपको आने वाले कुछ वीडियो में दिखेगा। हालांकि का सेम है, दोनों रिसेप्टर पे काम करके अपना एक्शन शो करते हैं, दीज आर द डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। उसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग की। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो या तो न्यूरोट्रांसमीटर को स्टार्ट करने वाले या प्रिकर्सर करने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के मेन साइट यानी कि न्यूरॉन्स पे काम करते हैं, या न्यूरॉन्स के निकलने वाले जो वेसिकल्स हैं स्टोर हैं वहां से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर के अफेक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं, और अल्टीमेटली ये दोनों इफेक्ट उनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे उनके बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। और तीसरा जो होता है वह है मिक्स एक्टिंग। उसके एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट एक्टिंग के टैरामीन, एम्फेटामीन, ये दो मेन एग्जांपल हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स के, खास करके सिंपैथोमिमेटिक कैटेगरी के ड्रग के। फिर हम बात करते हैं मिक्स एगोनिस्ट की या मिक्स सिंपैथोमिमेटिक की। तो ये हैं ऐसे ड्रग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी कि जो हमने पहले देखा या तो उस स्टार के बाइंडिंग साइट पे या तो उसकी रिलीज पे वेसिकल्स के रिलीज पे दोनों पे अपना एक्शन शो करते हैं, उसकी एक्टिंग को मिमिक करते हैं, ऐसे वो कहते हैं हम मिक्स्ड सिंपैथोमिमेटिक। एग्जांपल है एफेड्रिन। अब इन तीनों को डायरेक्ट एक्टिंग को,
इनडायरेक्ट एक्टिंग को और मिक्स एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक ड्रग को हम एक रिसेप्टर के डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारे पास एक नर्व है, प्रीसिनेप्टिक नर्व, एडिनर्जिक नर्व है, जहां से हमारा न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होना है। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग की, तो डायरेक्ट एक्टिंग हमारा साइट ऑफ एक्शन आप देख सकते हैं, जो कि रिसेप्टर पे बाइंडिंग को एगोनिस्ट इफेक्ट शो कर रहा है, रिसेप्टर पे उस न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंडिंग को फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो द साइट ऑफ एक्शन फॉर डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक इज ऑन द रिसेप्टर, दैट इज पोस्टसिनैप्टिक रिसेप्टर, जहां पे आके जाकर के हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो वहां पे बाइंड होगा। क्योंकि जब रिसेप्टर पे ड्रग बाइंड होगा तब दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वही उनका बायोलॉजिकल एक्शन देगा। तो ऐसे ड्रग जो उनके बाइंडिंग को सपोर्ट करते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक या एगोनिस्ट। जो दूसरा ड्रग है इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेसिकल से जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएपिनेफ्रिन, इसके रिलीज को अफेक्ट करते हैं, रिलीज को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वहां से वो रिलीज हो, और इस तरह से रिलीज होने के बाद वो आगे जाकर के अपने रिसेप्टर पर बाइंड होंगे। इसलिए ये एक्टिविटी को तो इंक्रीज कर रहे हैं बट नॉट डायरेक्टली बाय इनडायरेक्टली। तो ये हमारे पास दो तरीके देखे। अब जो मिक्स है वो या तो यहाँ पे यानी कि फर्स्ट स्टेप पे या तो सेकेंड स्टेप पे, दोनों जगह अपना इफेक्ट चेक करके अपनी एक्टिविटी शो करेगा। तो हमने देखा फार्माकोलॉजिकल क्राइटेरिया के हिसाब से, उनके टाइप ऑफ एक्शन के हिसाब से जो एडिनर्जिक ड्रग हैं, सिंपैथोमिमेटिक की ड्रग हैं, इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इन्हीं एडिनर्जिक ड्रग के ओवरऑल फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था कि अल्फा रिसेप्टर पे ड्रग कैसे काम करते हैं, किस तरह की एक्टिविटी देते हैं, बीटा रिसेप्टर का लोकेशन क्या होता है, उनके एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। बट अभी के वीडियो में हम बात करेंगे ओवरऑल फंक्शन ऑफ एडिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं उनके लोकेशन के हिसाब से कहाँ पे वो क्या इफेक्ट शो करते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारा हार्ट। हार्ट पे अगर हम देखेंगे तो जो एड्रेनालिन है इसका सिक्रेशन इंक्रीज होता है, और एड्रेनालिन इंक्रीज द हार्ट रेट बाय इनहेंसिंग पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ एसए नोड। एड्रेनालिन जो कि एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे एडिनर्जिक ड्रग सिस्टम का, तभी तो एड्रेनालिन और एडिनर्जिक नाम पड़ा है। सो एड्रेनालिन हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा बाय इंक्रीजिंग द पेसमेकर एक्टिविटी। पेसमेकर जिसको हम बोलते हैं एसए नोड इज अ पेसमेकर। पेसमेकर नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा ऑर्गन या ऐसा पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर हार्ट जो कि पेस जनरेट कर रहा होगा और उस पेस को फर्दर ट्रांसफर कर रहा होगा हमारे बंडल ऑफिस और प्रकुंजे फाइबर में, सो दैट उस पेसमेकर से निकलने वाले जो करंट है, वोल्टेज है, इनको थ्रू करते हुए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन डिलेशन हो और ये हार्ट हमारा हार्ट रेट में कन्वर्ट करे, फिर जाकर जाकर के ब्लड को पंप करे। तो हमारा जो एड्रेनालिन है ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और इसका जो हार्ट पे इफेक्ट है दैट इज हार्ट रेट इंक्रीज। दूसरा जो एक्टिविटी है एट हाई डोज एरिथमिया और बीपी कॉज हो सकता है। अगर हम इसी एड्रेनालिन का हाई डोज देते हैं तो इससे एरिथमिया कॉज होने की संभावना होती है और फर्दर वो एरिथमिया हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज भी कर सकता है। यहाँ पे एक टर्म आया है एरिथमिया। एरिथमिया का जनरली मतलब होता है कि हार्ट रेट के रिदम का चेंज हो जाना, यानी कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है एक मिनट में 72 बीट्स पर मिनट है, इसका या तो ज़्यादा हो जाना या तो कम हो जाना, दोनों का कंडीशन ज़्यादा होने का भी और कम होने का भी, इन दोनों को हम साथ में कम्युलेटिव रूप से एरिथमिया कहते हैं। अगर हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा होता है दैट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया, और अगर हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाता है दैट इज कॉल्ड ब्रेडीकार्डिया। बट यहाँ पे जो कंडीशन बता रहा है वो है हार्ट रेट का इंक्रीज हो जाना यानी कि टैकीकार्डिया, और अल्टीमेटली ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करेगा। कौन? एड्रेनर्जिक सिस्टम, और एड्रेनर्जिक सिस्टम के जितने न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो खासकर एड्रेनालिन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि तीसरा इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम और एड्रेनालिन ऑन हार्ट, दैट इज फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन का जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन फोर्स? जब पेसमेकर एक्टिविटी काम करता है तो कार्डियक जो सेल्स हैं, कार्डियक जो कार्डियक मसल्स हैं, उनके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है कि मसल्स के आने वाले सिग्नल को यानी करंट को एक्सेप्ट करें और अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन का एक्टिविटी शो करें। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा इसका मतलब है कि वो पुश ज़्यादा होगा, कार्डियक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कुछ डिपेंड अपॉन द डोज ड्रग इंक्रीज हो सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। तो ये कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है हमारा एड्रेनालिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे या पार्ट ऑफ ऑर्गन पे, दैट इज ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स पे जो एड्रेनलिन है या हमारे जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कहते हैं, बोथ वैसोडायलेशन और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन दोनों इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में साफ साफ देखा है कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर दो तरीके के होते हैं, अल्फा और बीटा। तो ये अवेलेबल होंगे हर जगह, और कौन सा ड्रग अल्फा पे बाइंड करता है, कौन सा बीटा पे, उसी के बाइंड होने के हिसाब से उनकी एक्टिविटी दिखेगी। तो ये जानना जरूरी था, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अल्फा पे कौन सा और बीटा पे कौन सा इफेक्ट आपको मिलेगा, या किस लोकेशन पे अल्फा है किस लोकेशन पे बीटा है। तो हमारे ब्लड वेसल्स में ये दोनों एक्टिविटी शो करेगा, वैसोडायलेशन एज वेल एज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वैसोडायलेशन का जो इफेक्ट है वो बीटा 2 के काम करने के हिसाब से है, यानी कि कोई ड्रग अगर बीटा 2 रिसेप्टर पे काम करता है, उसको मिमिक करता है, सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी ऑन बीटा 2 रिसेप्टर देता है, तो हमको मिलेगा वैसोडायलेशन। लेकिन अगर कोई ड्रग बीटा 2 की जगह अल्फा 1 या अल्फा 2 दोनों में से किसी पे भी काम करता है तो वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा, एंड दैट इज डिपेंड अपॉन द ड्रग, जैसा कि हमने यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। आइसोप्रिनोलिन जो एक ड्रग है वो आपके सिस्टोलिक के जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करता है और डायस्टोलिक फोर्स को डिक्रीज करता है। ये सिस्टोलिक को इंक्रीज डायस्टोलिक को डिक्रीज करेगा, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को जीरो करना चाहता है। लेकिन जो मेन इफेक्ट होगा ब्लड प्रेशर पे सिस्टोलिक के इंक्रीज होने और डायस्टोलिक के डिक्रीज होने के बावजूद जो मेन यानी कि एवरेज रिजल्ट मिलेगा वह है बीपी का फॉल होना, ब्लड प्रेशर हमारा फॉल हो जाएगा। क्यों फॉल होगा, क्योंकि बीटा 1 कार्डियक मसल को स्टिमुलेट करता है और बीटा 2 कार्डियक मसल को वैसे डायलेट करता है, तो इनका जो नेट या मीन रिजल्ट होगा दैट विल बी फॉल इन ब्लड प्रेशर। उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेनलिन की, तो एड्रेनलिन जो कि आपने देखा अभी कुछ ड्रग्स हैं हमारे जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है उनका एक एग्जांपल है। एड्रेनलिन के साथ दो कंडीशन है, अगर हम इसको आईवी या आईएम देते हैं लेकिन स्मॉल या स्लो इन्फ्यूजन के थ्रू, जो इन्फ्यूजन का रेट है ये क्वेश्चन पूछा गया है जीपैट में और कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, अगर हम इसी एड्रेनलिन का स्लो इन्फ्यूजन देते हैं तो इस स्लो होने की वजह से ड्रग में कोई चेंजेस नहीं है, जो फ्लो रेट है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा और डायस्टोलिक घटेगा। याद रखिएगा स्लो इन्फ्यूजन पे या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पे एड्रेनलिन का इन्फ्यूजन देने से सिस्टोलिक बढ़ेगा डायस्टोलिक घटेगा, लेकिन अगर इसी एड्रेनलिन का हम रैपिड इन्फ्यूजन कॉज करते हैं और खासकर जो एनिमल केस में देखा गया है वो हम बात करें, तो रैपिड इन्फ्यूजन सिस्टोलिक को भी और डायस्टोलिक को भी इंक्रीज करेगा और अल्टीमेटली नॉर्मल आफ्टर फ्यू मिनट्स वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। यहां पे आपने देखा कि सिस्टोलिक इंक्रीज डायस्टोलिक डिक्रीज, बट इन केस ऑफ रैपिड इन्फ्यूजन दोनों सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों इंक्रीज होंगे, लेकिन कुछ देर बाद वापस से वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम दैट इज रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन पे एड्रेनलिन क्या इफेक्ट शो करता है। एड्रेनलिन आइसोप्रिनोलिन जो कि बट नॉट नॉरेपिनेफ्रिन, ये एड्रेनलिन आइसोप्रिनोलिन नॉरेपिनेफ्रिन ये ही नहीं होगा, आर पोटेंट ब्रोंको डायलेटर। जो एड्रेनलिन है आइसोप्रिनोलिन है ये ब्रोंको डायलेटर है, यानी कि ब्रोंकियों को डायलेट करते हैं और ये अस्थमा के केस के पेशेंट के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और ये कैसे काम करते हैं, ये बीटा 2 पे एक्ट करके काम करते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने बताया था कि बीटा 1 हमारे हार्ट पे पाया जाता है और बीटा 2 हमारे लंग्स पे पाया जाता है, तो अगर लंग्स पे ये ब्रोंकिया का डायलेशन कर रहा है तो इट मींस डेफिनेटली इट इज वर्किंग ऑन द बीटा 2 टाइप ऑफ रिसेप्टर। अगला हम बात करते हैं आइस पे, तो ये आइस पे मैड्रेसिस इफेक्ट कॉज करेगा बाय एक्टिंग ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर। दूसरा, ये इंट्राऑक्युलर टेंशन को या इंट्राऑक्युलर प्रेशर को कम करेगा, जो कि हमारे ऐसे पेशेंट के लिए यूजफुल होगा जो ग्लॉकोमा के कारण से परेशान है। तो दिस टू इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज सीन बाय द एड्रेनर्जिक सिस्टम या सिंपैथोमिमेटिक ड्रग। उसके बाद हमारा अगला जो ऑर्गन है वह है जीआईटी। जीआईटी के गट को रिलैक्सेशन कॉज करेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को रिड्यूस करेगा, हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन कॉज हो जाए। अगला जो ऑर्गन है वह है यूटेरस। यूटेरस का इंपॉर्टेंट रोल है एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम पे। आप देखिए एड्रेनलिन जो कि अल्फा रिसेप्टर पे काम करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन एड्रेनलिन जो बीटा रिसेप्टर पे काम करेगा वो उसको रिलैक्स करेगा। तो अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे काम करने के अकॉर्डिंगली उसी को यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकता है, एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर बाइंडिंग साइट। अगला जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से, दैट इज इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। नॉर्मल केस की बात हम करते हैं लेकिन अगर इन केस ऑफ प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो ये मसल्स को रिलैक्स करेगा एड्रेनलिन,
लेकिन अदर टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सिर्फ प्रेगनेंसी केस में ही मसल्स को यूट्राइन मसल को रिलैक्स करता है, बाकी टाइम में ये चीज को कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा। फिर अगला हमारा सीएनएस है। वैसे सीएनएस पे इस तरह के एनर्जिक नर्व सिस्टम की पेनिटेबिलिटी स्लो है, पुअर पेनिटेबिलिटी है, इसलिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। बट जो नॉर्मल इफेक्ट है वह डिजीनेस या रेस्टलेसनेस वीकनेस थोड़ी सी हमको नजर आएगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने बात किया था एडिनर्जिक ड्रग्स के बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एडिनर्जिक ड्रग, व्हाट इज सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, दोनों एक दूसरे के साथ क्यों एक जैसे हैं, क्यों सिंपैथोमिमेटिक नाम पड़ा ये हमने देखा। साथ ही साथ हमने उनको उनके काम करने के तरीके से, इट मीन्स टाइप ऑफ एक्शन के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट और मिक्स्ड में डिवाइड किया था। उनके फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को उनके रेस्पेक्टिव ऑर्गन सिस्टम पे हमने देखा है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और एडिनर्जिक सिस्टम की, फिर हम बात करेंगे सिंपैथोलाइटिक कैटेगरी के ड्रग, यानी ऐसे ड्रग जो एड्रेनर्जिक सिस्टम के इफेक्ट को एंटागोनाइज करते होंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको सिंपल और नॉर्मल एक्सप्रेशन के थ्रू पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकें। कहीं कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी तो प्लीज बताइएगा, हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे यह टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा जो ड्यूरेशन ऑफ और वीडियो है वो बढ़ता जाएगा। अभी हम उसको मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर लिमिट कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद जब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पहुंचेंगे, जब ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। थैंक्स अगेन।